नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लामनी 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, कल सांसद चिराग पासवान जमुई में आरसीपी सिंह पर जमकर निशाना साधा। आरसीपी सिंह आने की जो तैयारियां की गई थी, जितना होर्डिंग पोस्टर लगाया गया था, उसको लेकर चिराग ने कहा कि अगर इतने पैसे बाढ़ पीड़ित को दे दिए गए होते, कई बाढ़ पीड़ितों का मनोबल बढ़ता, कई बाढ़ पीड़ितों का संकट दूर होता। उन्होंने साफ कहा कि चिराग बुझा नहीं करते, चिराग को जितना बुझाने का प्रयास करिएगा, चिराग उतनी तेजी से रोशनी देगा। ये जनता, बिहार की जनता, जमुई की जनता जो मुझे प्यार दे रही है, वो अविस्मरणीय है, वो बहुत ही अकल्पनीय है। आपने देखा होगा आशीर्वाद यात्रा में जहाँ जहाँ चिराग का काफिला गया, लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा, लोग जमकर उनको आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा आरसीपी सिंह को कि यदि आप क्या दिखाना चाहते, इतना होर्डिंग पोस्टिंग लगा के जनता दल यूनाइटेड में जदयू में एक दूसरे को ही नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। सब एक दूसरे को बड़ा मानने को बैठे हैं, कोई एक दूसरे से नीचा दिखने के, छोटा दिखने के प्रयास में है ही नहीं। हर एक नेता कहता है मैं सबसे वरिष्ठ हूँ। ऐसे में हालांकि बहुत सारी बातें हुई, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ सांसद चिराग पासवान के पास, जहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। जला चिराग बुझेगा जलेगा वो उनके हाथ में नहीं है। वो मेरे घी में घी नहीं डाल रहे हैं, वो मेरी लौ को नहीं बरकरार रख रहे हैं। उनका बस चलता तो मुझे मेरे पिताजी को कब का बुझा दिए होते जी। मेरे पिताजी को बुझाने का भी प्रयास उन लोगों ने और उनके पार्टी के लोगों ने, उनके पार्टी के मुखिया ने कई बार उन्होंने किया, पर ना वो मेरे नेता को बुझा पाए ना वो चिराग को बुझा पाएंगे। चिराग कितना जलेगा नहीं जलेगा ये जमुई की जनता डिसाइड करेगी, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है, बताए ना भैया, मंत्री बनकर आए थे, जितना पैसा आपने अपने स्वागत में लगाया, इतना बाढ़ पीड़ितों पर लगा देते, इतना पैसा बिहार के विकास में लगा देते। जो आप यहाँ पे अपने स्वागत में बैनर, होर्डिंग पोस्टर, इतने तो लोग नहीं थे उनके कार्यक्रम में जितने इन्होंने होर्डिंग पोस्टर लगवाए। तो जितनी मेहनत आप अपने स्वागत में, अपने वर्चस्व को और किसको दिखा रहे हैं भैया? आप चिराग पासवान को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ी दिखा रहे हैं, आप अपनी ही पार्टी में अपने ही नेताओं के सामने अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं ना कि तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियाँ तो मेरे में इतनी गाड़ियाँ। तो भैया ये वर्चस्व की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। जहाँ तक रही बात चिराग की, बहुत सी आंधियों ने प्रयास कर लिया चिराग को बुझाने का, और ये जमुई की जनता का प्यार था कि जहाँ पहली बार में आया तो 85,000 से और अगली बार 2,50,000 से, तो ये जमुई की जनता का प्यार बढ़ता जा रहा है, बिहार के लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। तो जिस दिए की हिफाजत खुद बिहार की जनता कर रही है, उसको आरसीपी सिंह जी बुझा के देखने का प्रयास कर ले। मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल उनकी क्या स्थिति है, ये सवाल नहीं है, सवाल ये कि बिहार में एनडीए की क्या स्थिति है, मुकेश? क्या एनडीए एकजुट है? देखो, जो विरोधाभास निरंतर देखने को मिल रहा है पेगासस के मामले पे, भाजपा कुछ और बयान देती है कि भाई जांच की जरूरत नहीं, वहीं तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जांच की मांग करते हैं। और जांच की मांग भैया से पेगासस पे ही क्यों, सृजन घोटाले पे जांच की मांग नहीं होनी चाहिए? जो हत्याएं आए दिन बिहार में हो रही है उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? भाजपा जनसंख्या निरंतर कानून पे उनकी राय अलग होती है, नीतीश कुमार जी की अलग होती है, जातिगत जनगणना पे उनकी राय अलग होती है, नीतीश कुमार जी की अलग होती है। तो भैया बिहार में एनडीए का नीचे करो क्या स्थिति है, सवाल किसका होना चाहिए? सर सर एक एक आशीर्वाद होता है कि जब हमारे प्रदेश का नाम भ्रष्टाचार में आता है, जब कहा जाता है कि भैया बिना घूस लिए हमारे प्रदेश में कोई काम नहीं होता, हम लोग कम से कम जमुई से उसकी नींद रख सकते हैं, यहाँ से हम लोग उसकी नींद रखें कि भैया जमुई एक ऐसा क्षेत्र है, जमुई एक ऐसा जिला है जहाँ पे गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का कोई समझौता नहीं होता, और उसकी नींद आप सभी रखेंगे। इसीलिए आग्रह आप लोगों के समक्ष मैं कर रहा हूँ कि जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग हमारे क्षेत्र के साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग हमारे क्षेत्रवासियों के साथ गलत कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के साथ गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिनों में जमुई कम से कम एक इतिहास बचे कि भैया यहाँ पर बिना घूस लिए हुए काम होता है, बिना भ्रष्टाचारी के यहाँ पर काम होता है, और गुणवत्ता के साथ कम से कम कोई समझौता नहीं होता। और जिसका प्रमाण आने वाले दिनों में जब सड़कों का निर्माण करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि भैया आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, पर हमारी सड़कों की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, इतनी मजबूत है कि इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं होता। ये जिम्मेदारी मैं पुनः दोहराता हूँ आप सबके ऊपर और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग इस योजना का लाभ अपने क्षेत्रवासियों को देंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने में। और आज मुहर्रम भी है, तमाम हमारे साथी, जो वैसे तो गंभीर माहौल का ये त्यौहार होता है, पर जो लोग इसमें आस्था रखते हैं, एक तरफ मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ, त्याग और बलिदान का ये त्यौहार माना जाता है, आप
सबको जहाँ इस त्यौहार को के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं पूरे सामंजस्य के साथ, पूरे एकता के साथ और आपसी किसी तरीके के द्वेष या किसी तरीके की विभाजन वाली भावना को मिटाकर हम लोग तमाम तरीके के त्योहारों का हम लोग सम्मान करें, क्षेत्र में एकता बनाए रखें, यहाँ पर सब मिलजुल कर सही मायने में गंगा जमुनी तहजीब का हम लोग उदाहरण दें, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसी आशा मैं अपने क्षेत्रवासियों से करता हूँ। पुनः यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय जमुनी।